हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांसिस बेकन जो है वो हिस्ट्री से फ्रेंडशिप पेयर उठाते हैं और जिक्र करते हैं कि किस तरह जो जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, जो सिंसियर किंग्स मोनार्क्स हुए, उनको इस फ्रेंडशिप की क्या कीमत चुकानी पड़ी। और हम जहाँ पढ़ रहे थे वो एग्जाम्पल चल रहा था जूलियस सीजर और डेसिमस ब्रूटस का, और फ्रांसिस बेकन ने क्लियरली कहा है कि दिस इज द पर्सन हु फोर्स्ड सीजर टू डेथ, यानी कि यही वो डेसिमस ब्रूटस ही वो फ्रेंड था जिसकी वजह से जूलियस सीजर को मरना पड़ा या उसकी डेथ हुई। अब यहाँ एंटोनियो जिसने कि लेटिन सेंग्स को कलेक्ट किया, जिसने कि उस सीजर की बातों को कलेक्ट किया, उसने डेसिमस ब्रूटस के कैरेक्टर को स्टडी किया और उसने अपने लेटर में, उसने अपने जो भी बातें कही उसने अपने कलेक्शन में, उसने एंटोनियस ने डेसिमस ब्रूटस को एक स्पेशल नाउन दिया, वो नाउन था बेनिफिक, यानी कि उसका मतलब होता है विच, यानी कि जो एंटोनियस है वो डेसिमस ब्रूटस को इतना क्रूर बता रहा है कि उसको अपनी राइटिंग्स में उसको राक्षस का नाम दे रहा है, एज इफ ही एंचेंटेड सीजर, और उसको ऐसा विच बता रहा है जिसने सीजर के ब्रेन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया हो, एंचेंट कर लिया हो, इसीलिए वो डेसिमस ब्रूटस को विच बुलाता है, बेनिफिक बुलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रांसिस बेकन दे रहे हैं, अगस्टस रेज्ड एग्रीपा टू द हाइट एज व्हेन ही कंसल्टेड मेसेनस अबाउट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर जूलिया। नेक्स्ट पेयर जो फ्रेंडशिप का पेयर है वो है अगस्टस और एग्रीपा का। अगस्टस जो किंग था उसने एग्रीपा को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि उसके कोर्टियर्स, उनकी जो प्रजा थी, उनका जो किंगडम था, उनकी फ्रेंड इस फ्रेंडशिप की दुहाई देता था। और जब एक वक्त ऐसा आया जब ऑगस्टस को अपनी बेटी की शादी के बारे में कुछ कंसल्ट करना था या कुछ एडवाइस चाहिए थी, तो उसने जो अपना कोर्टियर मेसिनस से पूछा अपनी डॉटर जूलिया की शादी के बारे में, तो मेसिनस टुक द लिबर्टी टू टेल हिम, मैंने कि मेसिनस ने ऑगस्टस से क्लियरली लिबर्टी मांगी कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मुझे कहने दिया जाए। और मेसिनस ने क्या कमेंट किया, दैट ही मस्ट आइदर मैरी हिज डॉटर टू एग्रीपा और टेक अवे हिज लाइफ। और उसके जो कोर्टियर थे मेसिनस, उसने क्लियरली कह दिया कि यू हैव ओनली टू ऑप्शन, फर्स्ट गेट मैरी योर डॉटर विद एग्रीपा और किल हर, या तो उसकी शादी एग्रीपा से करवा दो या फिर उसकी लाइफ ही खत्म कर दो। यानी कि उन दोनों की फ्रेंडशिप इतनी क्लोज हो गई थी कि किसी के, मतलब उसकी बेटी के लिए किसी को भी एग्रीपा से बेटर कोई भी ब्राइडग्रूम नहीं लग रहा था। There was no third way he had made him so great, क्योंकि ऑगस्टस ने ही एग्रीपा को इतना ग्रेट बना लिया था कि जूलिया के लिए उससे बढ़कर कहीं कोई ऑप्शन था ही नहीं। With Tiberius Caesar, Sejanus has ascended to that height that, sorry, as they two were termed and reckoned as a pair of friends. Again, फिर से एक पेयर ऑफ फ्रेंड की बात हो रही है, एक फ्रेंडशिप पेयर की बात हो रही है, वो पेयर है Tiberius Caesar and Sejanus. टाइबर सीजर जो था उसने सेजिनस को उस हाइट तक पहुंचाया, किस हाइट तक, ऐसे लग रहा था जैसे दोनों के नाम जो हैं वो एक तरह से हमेशा साथ लिए जाते थे, वो उनकी फ्रेंडशिप की विटनेस उनकी पूरी किंगडम थी और वो पूरी इस फ्रेंडशिप को अप्रिशिएट करती थी। टाइबर्स इन अ लेटर टू हिम सेड, टाइबर्स ने एक लेटर लिखा सेजिनस को, उसमें उसने क्लियरली मैंशन किया, हैक प्रो एमिक्योर मस नोस्टा नॉन एक्लेशन, यानी कि एंड द होल सोनेट डेडिकेटेड एंड अल्टर टू फ्रेंडशिप। और जब टाइबर सीजर मर गया तो उसने अपने एक लेटर में अपने कोर्टियर्स के लिए पीछे एक लेटर लिख के गया था, उसमें उसने लिखा था, और उस जब वो फ्रेंडशिप, जब ये टाइबर सीजर और सेजिनस दोनों की डेथ हो गई तो जो पूरा सीनेट था, यानी कि उनकी जो पूरा कोर्ट था, उन्होंने उस फ्रेंडशिप को एक अल्टर, यानी कि उनके नाम का एक यज्ञ किया, एक ओथ ली गई, उनकी फ्रेंडशिप की ओथ ली गई कि हम उनकी मित्रता की दुहाई देकर ये कहते हैं, एज टू अ गॉडेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट डियरनेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम टू। और उनके जो कोर्टर्स थे वो भी उनकी फ्रेंडशिप के लिए प्रेज करते थे कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो इस वर्ल्ड में युगों युगों तक याद रखी जाए। द लाइक और मोर वॉज बिटवीन सेप्टिमस सेवस एंड प्लाटोनियस, सेम यही कंडीशन सेप्टिमस सेवस और प्लाटोनियस के बीच में थी।
फॉर ही फोर्स्ड हिज एल्डेस्ट सन टू मैरी द डॉटर ऑफ प्लाटिनस, यानी कि सेप्टिमस सेवर्स जो था उसने अपने बेटे को फोर्स किया कि तुम प्लाटिनस की बेटी से मैरी करो, उससे तुम शादी करो, एंड वुड ऑफन मेंटेन प्लाटिनस इन डूइंग अफॉन टू हिज सन, और कई बार उनकी अपने बेटे को प्लाटिनस की बातों को मानने के लिए उसको कन्विंस करता था हमेशा, एंड डिड राइट ऑल्सो इन अ लेटर टू द सीनेट, और सेप्टिमस सेवर्स ने अपने जो सीनेट जो कोर्टियर्स थे उनको एक लेटर लिखा, और उसमें क्या लिखा, ये जो वर्ड से क्लियरली लिखा, आई लव द मैन सो वेल एज आई विश ही मे ओवरलिव, यानी कि इनकी फ्रेंडशिप इंटीमेसी इतनी अधिक थी, ये लोग इतना एक दूसरे को अच्छा फ्रेंड मानते थे कि जो किंग था सेप्टिमस सेवर उसने क्लियरली लिखा कि आई लव दिस मैन एंड ही शुड हैव माई एज, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, क्लियरली कहना चाह रहा है कि इस इंसान को मेरी भी उम्र लग जाए क्योंकि मैं ये मेरा इतना प्रिय इंसान है। नाउ इफ दिस प्रिंसेस हैड बीन अ टार्जन और मार्कस और अलिनियस अ मैन माइट हैव थॉट दैट दिस हैड प्रोसीड टू ऑफ एन अबंडेंट पॉइंट ऑफ नेचर, अब अगर यही राजा कोई टार्जन होते या मार्कस होते जिन्होंने ये फ्रेंडशिप फ्रूट नहीं टेस्ट किया होता या इस तरह से वो अगर नहीं झुके होते, बट बीइंग मैन सो वाइज फॉर सच स्ट्रेंज एंड सेवरिटी ऑफ माइंड सो एक्सट्रीम लवर ऑफ देम सेल्फ एज ऑल दिस वर प्रूव्ड इट मोस्ट प्लेनली दैट दे फाउंड देयर ओन फैसिलिटी, और कहीं ना कहीं ये जितने भी राजा थे उनके पास सब कुछ था, उनके पास अच्छी प्रजा थी, मदर फादर पेरेंट्स थे, अच्छे रिलेशनशिप्स थे, सब कुछ था, एंड ऑल दिस वर इम्प्रूव्स दैट मोस्ट प्लेनली दे फाउंड देयर ओन फैसिलिटी, लेकिन उसके बाद भी अगर हिस्ट्री को इन फ्रेंडशिप पेयर को स्टडी किया गया तो एक बात सामने आई कि ये जितने भी ग्रेट मोनार्क्स ग्रेट किंग हुए उन्होंने फ्रेंडशिप अपनी फैसिलिटी के लिए की, यानी कि ये जितने भी गुड पेरेंट्स गुड फैसिलिटी गुड रिलेटिव्स जो भी थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जो इनसफिशियंट था, जो ये फ्रेंड जो उन्होंने लोअर स्टैंडर्ड से पिक किए थे वो बन पाए, बट एज एन हाफ पीस एक्सेप्ट दे मोट हैव अ फ्रेंड टू मेक इट एंटायर, लेकिन फिर भी इन सब के होते हुए भी उनको एक फ्रेंड इन प्रिंसेस को एक फ्रेंड की जरूरत पड़ी जिससे कि वो कंप्लीट हो सके, एंड येट विच इज मोर देवर प्रिंसेस दैट हैड वाइव सन नेफ्यू एंड येट ऑल दिस कुड नॉट सप्लाई फॉर द कम्फर्ट ऑफ फ्रेंडशिप, हाँ इन ये जो राजा थी उनके पास सब कुछ था इन राजकुमारों के पास, और जिसमें से कई राजकुमार तो ऐसे भी थे जिनके पास अच्छी वाइफ थी, अच्छे ओबीडियंट सन थे, गुड लवली नेफ्यूज थे, एंड बट ऑल दीज रिलेटिव कुड नॉट फुलफिल द प्लेस ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि जो कम्फर्ट एक फ्रेंडशिप का होता है वो कम्फर्ट इनको इन रिलेटिव इन रिश्तों में इन ह्यूमन बींग्स में इन क्रिएचर में नहीं मिला। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैरा। इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन व्हाट कम्युनिस्ट ऑब्जर्व्ड ऑफ हिज फर्स्ट मास्टर, अब देखिए यहाँ ये जो फ्रेंडशिप जो थी, एक तो ये फ्रेंडशिप थी कि जिसमें लोगों ने फ्रेंड बनाए, जो किंग्स थे उन्होंने फ्रेंड बनाए और बराबर उनको बराबर का दर्जा दिया, अब सेकेंड ऑप्शन यहाँ ये जो सेकेंड पैरा में सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेंडशिप बता रहे हैं कि एक फ्रेंडशिप ऐसी भी हुआ करती थी जिसमें एक लॉयल्टी का रिश्ता होता था, वहाँ इक्वलिटी नहीं थी, वो लॉयल्टी बनी रहती थी, और उस लॉयल्टी के अंतर्गत ये बताया गया है, इट इज नॉट टू बी फॉरगेट व्हाट कम्युनियस ऑब्जर्व ऑफ हिज फर्स्ट मास्टर, अब ये जो सर्वेंट होते हैं जो रात दिन अपने ऑनर की सेवा करते हैं अपने मास्टर की सर्विस करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि जो उनके मास्टर्स होते हैं उनके व्यवहार को स्टडी करते हैं, उनके नेचर को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर जो स्टडी कर रहा है कॉमनियस उसने ऑब्जर्व किया था ऑफ हिज फर्स्ट मास्टर, कौन था, ड्यूक चार्ल्स द हार्डी, नेमली दैट ही वुड कम्युनिकेट हिज सीक्रेट विथ नन, जो ये जो कॉमनियस था उसने ड्यूक चार्ल्स जो उसका मास्टर था उसके व्यवहार से एक बात नोटिस की, एक स्पेशल थिंग नोट की, वो क्या थी कि उसने ये जो ड्यूक चार्ल्स था उसने ये बात कही थी या उसके व्यवहार से ये बात साफ झलकती थी कि वो जो अपने सीक्रेट हैं वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा, मीन्स वो किसी को भी अपना क्लोज फ्रेंड नहीं बनाएगा, एंड लीस्ट ऑफ ऑल दो सीक्रेट विच ट्रबल्ड हिम मोस्ट, और कम से कम वो सीक्रेट तो कभी नहीं बताएगा जिसकी वजह से उसके हार्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, वेयर अपॉन ही गोज ऑन एट सेड दैट टुवर्ड्स हिज लेटर टाइम
towards his later time that closeness did impair a little Paris his understanding. और इसी तरह उसने किसी के भी साथ अपने जो इनर सीक्रेट्स थे वो शेयर नहीं किए, और यही जो उसने सीक्रेट शेयर नहीं किए यही उसकी बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और जब उसका लास्ट टाइम आया, उसके लास्ट डेज में उसका जो माइंड था, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सफोकेट होता रहा, उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया, उसके जो हार्ट की स्वेलिंग थी वो कभी डिस्चार्ज हुई नहीं। इन अ लेटर दैट क्लोजनेस डिड इम्पेयर एंड लिटिल पेरिस इज अंडरस्टैंडिंग, और उस क्लोजनेस ने धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग को ही खत्म कर दिया। क्लोजनेस वो किसके साथ थी, किसी ट्रू फ्रेंड के साथ नहीं थी, वो फ्रेंडशिप वो जो क्लोजनेस थी वो सिर्फ खुद के साथ थी, और उसी क्लोजनेस ने उसकी जो मेंटल पावर थी, जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, उसको फिनिश कर दिया। श्योरली कम्युनिस्ट मोट हैव मेड द सेम जजमेंट ऑल्सो, और कम्युनिस्ट को देखकर ऐसा, उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि यही कमेंट उसने शायद अपने सेकेंड मास्टर के बारे में भी लगाया होगा, इफ इट हैड प्लीज्ड हिम ऑफ हिज सेकेंड मास्टर, अगर सेकेंड मास्टर भी उसका यही हाल, मतलब यही अगर प्रोसेस रखता, किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो वो अपने सेकेंड मास्टर के बारे में भी सेम कमेंट करता, बट ऐसा नहीं है। लेविस द 11th, ये कौन है, ये कम्युनिस्ट का सेकेंड मास्टर है, हुज क्लोजनेस वॉज इंडीड हिज टॉर्मेंटर, द पैराबल ऑफ पाइथागोरस। और वो सेकेंड मास्टर के बारे में भी क्या कह रहा है, हुज क्लोजनेस वॉज इंडीड हिज टॉर्मेंटर, यानी कि उसकी भी खुद के साथ जो घनिष्ठता थी, यानी कि उसका भी जो आइसोलेशन था, वो उसको ले डुबा, यानी कि उसको भी खत्म कर दिया। द पैराबल ऑफ पाइथागोरस इज डार्क बट ट्रू, अब यहाँ पाइथागोरस की बात कर रहा है कि पाइथागोरस की जो सेंग्स हैं वो बहुत बिटर हैं, बहुत कड़वी हैं, बट ट्रू, मतलब एक ट्रूथ कंटेन करती है। को ने एडिटू, पाइथागोरस क्या कह रहे हैं, को ने एडिटू मीन्स डोंट ईट द हार्ट, यानी कि खुद के साथ अनजस्टिफाई मत करो, खुद को पनिशमेंट मत दो, अपने ही हार्ट को प्रेस मत करो, उसको फिनिश मत करो। सर्टनली इफ अ मैन वुड गिव इट अ हार्ड फ्रेज दैट दोज वांट फ्रेंड्स टू ओपन देमसेल्फ एंड टू आर कैनिबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट, और ये लाइन किन के बारे में, उन इंसानों के बारे में है जो एकांत पसंद करते हैं, जो उस उनके बारे में एक बिटर ट्रूथ है कि वो लोग जो एक फ्रेंड की चाहत तो रखते हैं लेकिन फ्रेंड बनाते नहीं है, मीन्स फ्रेंड को फ्रेंड बनाते भी हैं तो उनके साथ कुछ शेयर नहीं करते, और वही एक्चुअल में ईट देयर हार्ट, मीन्स वही ऐसे ही लोग खुद ही के हार्ट को खाते हैं, यानी कि खुद ही के माइंड को, खुद ही की थिंकिंग को फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बट वन थिंग इज मोस्ट एडमायरेबल, एक चीज़ ऐसी है जो बहुत एडमायरेबल है, विच इज दैट दिस कम्युनिकेटिंग ऑफ अ मैन सेल्फ टू हिज फ्रेंड वर्क्स टू कॉन्ट्रारी इफेक्ट। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करते हैं तो उसके दो कॉन्ट्रेरी इफेक्ट होते हैं, यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट होते हैं। फॉर इट रीडबल्स द जॉय, अगर आपको कुछ खुशी मिली है, कुछ प्लेजर मिला और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो तो वो डबल हो जाता है, एंड कट ग्रिप्स इन टू हार्ट, और जो भी अगर आपके जो सोरोज हैं, जो भी पजल्स हैं, आप उन अगर उनको फ्रेंड के साथ शेयर करते हो तो आपका हार्ट जो है वो बहुत लाइट फील करता है और ग्रिफ जो है वो आधे हो जाता है। फॉर देर इज नो मैन दैट इम्पार्ट हिज जॉयज टू हिज फ्रेंड बट ही जॉयज द मोर, एंड नो मैन दैट इम्पार्ट्स हिज ग्रिफ्स टू हिज फ्रेंड बट ही ग्रिव्स द लेस, और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके कि जो जिसने भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए हों, जो भी हैप्पीनेस शेयर किए हों, वो डबल ना हो, लेकिन और ना ही इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसने फ्रेंड के साथ शेयर करने के बाद भी उसको उसकी ग्रीफ कम महसूस ना हो, उसकी प्रॉब्लम्स कुछ हल्की महसूस ना हुई हो। सो दैट इट इज़ इन ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन अपॉन अ मैंस माइंड, और ये सारा जो फ्रेंडशिप का जो खेल है ये जो मेंस के माइंड का एक तरह से ऑपरेशन कर देता है, उसको ठीक कर देता है, उसकी फीलिंग्स को, उसकी थिंकिंग को एक पॉजिटिव वे में ले आता है। और लाइक वर्चुअस एल्केमिस्ट यूज टू एट्रीब्यूट टू देयर स्टोन फॉर मेंडी मेंस बॉडी, यानी कि और ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो मेंस के माइंड का जो ऑपरेशन है, ये ठीक वैसे ही है जैसे एल्केमिस्ट जो होते हैं
जो केमिस्ट होते हैं वो मैन की बॉडी को ठीक करने के लिए एक तरह के स्टोन्स यूज लेते हैं, दैट इट वर्क्स ऑल कॉन्ट्रेरी इफेक्ट, जिनका कि उल्टा इफेक्ट होता है, बट स्टिल द गुड एंड बेनिफिट ऑफ नेचर, लेकिन वो फिर भी मैन की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बाय इट विदाउट पेयरिंग इन एड ऑफ एल्केमिस्ट, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमें किसी भी एल्केमिस्ट की हेल्प की जरूरत नहीं है। देयर इज अ मैनिफेस्ट इमेज ऑफ दिस ऑन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो मैन का जो माइंड है उसके माइंड को ऑपरेट करने के लिए नेचर ने एक बहुत ही अच्छा क्रिएचर बनाया है। फॉर इन बॉडी यूनियन स्ट्रेंथ्स एंड टाइटन्स एनी नेचुरल एक्शन एंड अदर एंड ऑन द अदर साइड वीकन्स एंड डल्स एनी वायलेंट इंप्रेशन इवन एंड इवन सो इट इज ऑफ माइंड, यानी कि चाहे प्रॉब्लम माइंड की हो चाहे हार्ट की हो, लेकिन ये जो फ्रेंडशिप है ये अपने आप दोनों ही साइड से मेंस को ठीक कर देती है, उसकी जो भी कमजोरी होती है उसको घटा देती है और उसका इम्प्रेशन अच्छा करती है, यानी कि उसके माइंड को एक पॉजिटिव वे में ले आती है, रिफ्रेश कर देती है।